अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन देसी क्रिप्टो गुरु। और जिनको नहीं पता उनके लिए बड़ा क्विकली इस चैनल के बारे में, ये चैनल मैंने इस विजन के साथ स्टार्ट किया है कि आप लोग देसी क्रिप्टो गुरु बन सके, आप लोग क्रिप्टो गुरु बन सके, आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में, आसान चीज़ों, आसान वर्ड्स में सिखाने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ये सारी न्यूज़ मैं इसके ऊपर पोस्ट करता रहता हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नए क्वाइन के बारे में बताऊंगा जो कि जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बताता जिसके ऊपर मैं खुद से बिलीव नहीं करता या मैंने खुद उसके अंदर रिसर्च नहीं की होती या उसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की होती। इस वाले कॉइन पर मैंने अच्छी खासी रिसर्च की है, छोटा सा मैंने इसका पोर्शन भी बाय किया है अपने पोर्टफोलियो के लिए। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, ना ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप जाकर ये वाला कॉइन खरीदें या क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करें। ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने चैनल शुरू किया है जहां पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ पोस्ट की हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे रही हैं। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अपनी मर्ज़ी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने इन्वेस्ट करना है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप फेसबुक, टिकटॉक यूज़ करना जानते हैं तो आप ये क्रिप्टो के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना सीख सकते हैं। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी मर्ज़ी से करनी है, ये सोच के करनी है कि अगर ये 60% 80% ऊपर जाती है तो ये 60% 80% नीचे भी आती है। आपको क्रिप्टो के साइकिल को समझना पड़ेगा और ये मकसद मेरा ये है कि आप अगर किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें तो आप खुद से सीख के इन्वेस्टमेंट करें, आपको पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। चलें जी, आज के उस प्यारे से कॉइन के ऊपर चलते हैं जो कि मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और उसका नाम है लिटेंट्री। लिट इसका कोड है, प्राइस इसकी इस वक्त चल रही है $60, 7.92। अगर हम इसके ऊपर देखें तो इसका टोटल मार्केट कैप जो सा है 142 मिलियन का बन चुका है। तो अभी ये बहुत बड़ा कॉइन नहीं बना, इट हैज़ वेरी मच रूम टू ग्रो। इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये अभी बड़ी तेज़ी से आगे आ सकता है। कॉन्सेप्ट ये है कि मैं इसका अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसके पीछे इसकी जो ओवरऑल आप ग्रोथ देखें तो ये बड़ा ही न्यू कॉइन है, बड़ा लेटेस्टली, बड़ा रिसेंटली आया है, बाइनांस के ऊपर अवेलेबल हो गया इसका USDT के साथ इसका पेयर। तो ये जो पिछले 14 दिनों में 40% गिरा है, विच मीन्स के इट वॉज़ अ गुड चांस फॉर मी टू बाय इन, तो मैंने बाय इन किया है इसके अंदर। पिछले 24 घंटे में 4.7% बढ़ा भी है और पिछले एक घंटे में 5.6% भी बढ़ा है। अगर आप देखें तो 81% लोग इसको लाइक कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिक, और इस वक्त बड़ा बाय, स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल चल रहा है इसके ऊपर। तो कॉन्सेप्ट ये है इसका कि ये बेसिकली आपको, मैंने अपने नोट्स जहाँ पे बनाए हुए, मैं ज़रा अपने नोट्स खोल लूँ तो मैं आप लोगों को फिर थोड़ा सा समझा सकूँ। बेसिकली लिट जो सा है इसका बिज़नेस मॉडल ये है, इसका बिज़नेस कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपको आइडेंटिफिकेशन बेस्ड वेरिफिकेशन करवाएगा, आइडेंटिटी बेस्ड वेरिफिकेशन। होता क्या है आज के दौर में कि आप अगर मुझे अपने बिटकॉइन वॉलेट का एड्रेस देते हैं, कोई साहब बैठे हुए, लेट से सलीम साहब बैठे हुए कहीं पे, वो अपने बिटकॉइन वॉलेट का मुझे अगर वो देते हैं, वो एड्रेस देते हैं और मैं उनको बिटकॉइन ट्रांसफ़र करता हूँ या किसी भी किस्म की और कोई करेंसी ट्रांसफ़र करता हूँ उनके डिजिटल वॉलेट में, तो मेरे पास उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है उसके पीछे। लाइक इस सारे प्रोसेस के अंदर सिर्फ वो एक एड्रेस है मेरे पास, ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा उनके कि ये पीछे सलीम साहब ही बैठे हुए हैं या कौन है। बेसिकली ये इन्होंने इन फ्यूचर ये होगा कि लोग लोन्स लेंगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर, लोग लैंडिंग करेंगे, लोग किस्तों पे चीज़ें लेंगे और उसकी पेमेंट करेंगे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। तो उस सारे प्रोसेस को के अंदर एक आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताबिश ने अगर मोबाइल लिया है ऑनलाइन किस्तों के ऊपर, अगर मैंने मोबाइल लिया iPhone 10 और मैंने ये कहा कि जी मैं क्रिप्टो करेंसी को से पे करूँगा, लेट से जब पेपल अपने ऊपर सारी, जब पेपल सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता, लेट से इन फ्यू ईयर्स जब रियल टाइम में एग्जांपल शुरू हो जाएंगी, तो जो कंपनी मुझे मोबाइल लेंड कर रही है, जो कंपनी मुझे मोबाइल भेज रही है किस्तों पे, उसको कोई वेरिफिकेशन चाहिए। और वो मैंने, और लेट से मैं किसी बैंक के पास जाता हूँ, उन्हें कहता हूँ जी मुझे एक बिटकॉइन लोन चाहिए, वो जब मुझे बिटकॉइन हाथ में तो नहीं देंगे कि ना ही मुझे कैश देंगे, वो बिटकॉइन मेरे किसी बिटकॉइन वॉलेट में डालेंगे, उस वक्त में उनको आइडेंटिटी बेस्ड वेरिफिकेशन चाहिए।
तो ये डीफाई सिस्टम के अंदर ये डीफाई सिस्टम के अंदर आइडेंटिटी बेस्ड वेरिफिकेशन जो उनसी है, अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। तो ये बड़ा यूनिक आइडेंटिटी ऑफ वॉलेट एड्रेस जो आपका है, जो वॉलेट एड्रेस के अंदर जो आपकी आइडेंटिटी है वो मिसिंग है डीफाई इकोसिस्टम के अंदर। और ये जो सा कॉइन है या ये जो सा प्रोजेक्ट है, ये वाली चीज़ सॉल्व कर रहा है। ऑलरेडी टीम इनकी चाइना में बैठी हुई है, इनको बैकिंग करने वाली बड़ी बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, तो पीछे टीम इसकी तगड़ी है, डेवलपर्स की टीम तगड़ी है। और ये खाली कॉन्सेप्ट नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी एक प्रोटोटाइप जो उनसी है वो अप एंड रनिंग टेस्टिंग में है, जिसका मतलब है कि ये बहुत जल्दी आ सकते हैं। एंड बहुत जल्दी ये लोग अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो उनसा है और उसके बाद फिर इसको लॉन्च कर सकते हैं, और बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनकी इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर। दो रिस्क हैं इसमें इन्वेस्ट करने में, या तो कोई और टोकन आ जाएगा या तो कोई और प्रोजेक्ट आ जाएगा जो ये चीज़ इनसे बेहतर करेगा, देन दे कैन लूज ग्राउंड। और ये हो सकता है कि ये जो सर्विस लेके आ रहे हैं इससे बेहतर सर्विस कोई ऑलरेडी अवेलेबल जो नेटवर्क्स हैं उसके अंदर वो इंट्रोड्यूस करवा दें। लेकिन अभी ऐसा किसी ने भी नहीं किया। दिस अ वेरी वेरी न्यू कॉइन, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, इसका एक यूज़ केस है इन फ्यूचर क्रिप्टो की दुनिया के अंदर, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। मैंने जब इसको स्टडी किया थोड़ा सा और उसके बाद फिर मैंने अपने पोर्टफोलियो में छोटा सा 1% इसका बाय किया है। और मेरी जो इन प्राइस थी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, मैंने आज ही इसके अंदर अपनी इन प्राइस को डाला है। और मेरी इन प्राइस है, मेरे पोर्टफोलियो का इस वक्त ये आजा भाई, मेरे पोर्टफोलियो का इस वक्त ये बड़ा छोटा था, सिर्फ 1% है मेरे पोर्टफोलियो का, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करूंगा और फिर मैं इसके अंदर और पोर इन करूंगा। मेरी जो इन प्राइस है इसकी वो है जी 7.40, और इस वक्त इसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है, मैं 7.40 में एंटर हुआ हूँ और इस वक्त इसकी प्राइस 7.98 पे चल रही है। अगेन, क्रिप्टो की जितनी भी सारी गेम है वो लॉन्ग टर्म है। मैंने जब इसको देखा कि इसकी प्राइस 40% डाउन गई हुई है, तो मैंने सोचा ओके, दिस इज़ अ गुड टाइम टू एंटर इन दिस कॉइन। अगर आप इसका लाइफ टाइम चार्ट देखें, जो कि बहुत ही छोटा सा है, लेकिन अभी ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ था और इसकी आउट प्राइस थी 0.2, और ये 5 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। देन इट गोज ऑल द वे अप, जिस दिन स्टार्ट हुआ है, टू 18 से स्ट्रेच होके प्राइस वापस नीचे आई है और फिर ग्रो करते करते इधर गई है। अब यहाँ से अपने आप को एडजस्ट कर रही है ये प्राइस। तो मेरा ये ख्याल था कि ओके, इट्स समवेयर इन द मिडल, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इट, और इन फ्यू ईयर्स अगर ये दोबारा अपने इस लेवल को टच करती है तो इट्स अ गुड एग्जिट टाइम इन दैट लेकिन बिसाइड्स के प्राइस कैसे है, ये अभी बड़ी इनिशियल लॉन्चिंग है इसकी, इसकी प्राइस की आप गैस नहीं कर सकते। इसका जो ओवरऑल बिजनेस कॉन्सेप्ट है, बिजनेस मॉडल है, वो बड़ा प्रॉमिसिंग है। सो मैंने इसलिए इस कॉइन को सेलेक्ट किया है। ले यार, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेरा ये चैनल ग्रो कर सके, मेरी हेल्प करें इस चैनल को ग्रो करने में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें, और ये है कि हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।